के भागना पड़ा था। और आज फिर से ऐसी हरकत मंदिरों में आस्था के हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सभी सनातन धर्मियों को एकजुट होकर इसके ऊपर तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए, और सरकार को तुरंत सीबीआई जांच इस पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, अराजकता फैल सकती है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना है कि जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से पता चला, जांच से पता चल रहा है कि सुअर की चर्बी जो है प्रसाद में मिलाई गई है। कई भक्तों के फोन पास मेरे पास भी आ रहे हैं कि इस घटना की सच्चाई क्या है, क्या हो, लोग समझ नहीं पा रहे हमने क्या कर दिया। और जिन लोगों ने प्रसाद खा लिया, सोचिए उनके साथ क्या होगा। वो व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है, पागल हो सकता है कि भाई ये एक हमने प्रसाद खाया, एक सात्विक व्यक्ति है और उसको आप सुअर की चर्बी खिला रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी है। और माननीय न्यायालय भी स्वतः संज्ञान इस मामले में उच्चतम न्यायालय ले, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ले, क्योंकि आम जनता करोड़ों जो है हिंदुओं की आस्था के साथ, पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ जांच करा के जो दोषी पाए जाए उनको मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की जो है आस्था के साथ खिलवाड़ होने के साथ कई लोगों की जान के भी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप सब सवाल सरकार का है, सरकार क्या कर रही थी। अब पूर्व की सरकार, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी की सरकार, अब उन्होंने सत्ता संभाला है तो अब उन्होंने जांच करवाई है, तो ये चल कब से रहा था? लोगों के मन में ये भी सवाल है कि भाई चल कब से रहा था, क्या वाकई जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तब से चल रहा था, या बीच में क्वालिटी चेकिंग हुई? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, FSSAI है केंद्र की एजेंसी, फूड सेफ्टी विभाग हर राज्य में होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है समय समय पर क्वालिटी चेक किया जाए। इतने बड़े ट्रस्ट, इतने बड़े मंदिर, और जिस मंदिर में सिर्फ लड्डुओं से होने वाली कमाई 500 करोड़ रुपए है, क्या नहीं लगता है कि जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि आप समय समय पर वहां प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उसकी क्वालिटी चेकिंग हो, जो बांटे जाते हैं उसकी क्वालिटी चेकिंग हो? धन्यवाद सुमित जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और ये जो विषय संज्ञान में आया है ये हस्तक्षेप करने वाला है, ये ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र भारत का सबसे ज्यादा विभीषण और सबसे निंदनीय विषय है। एक विषय हमने देखा था जिस समय अंग्रेजों ने मेरठ छावनी में जो कारतूस है वो दिए थे, उन कारतूसों में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी थी, जिस कारण स्वतंत्रता क्रांति बढ़ती थी। उसी प्रकार से अब आज जिस प्रकार से मंदिर के प्रसाद के अंदर गोमांस, गोवसा, मछली का तेल और लॉर्ड अर्थात सुअर की चर्बी के अवशेष मिले हैं, हैरान करने वाला। और मैं आपको बता दूं सुमित जी, ये जो है ना ये एक कुचक्र है। अभी मैं सुन रहा था पैसे के लिए हो सकता है या व्यापार के लिए हो सकता है, नहीं, ये ना तो पैसे के लिए है ना ही व्यापार के लिए है, ये हमारे सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए है। जैसे कि आप लगातार देख ही रहे हैं, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, कहीं मूत जिहाद हो रहा है, कहीं पर सब्जियों को गंदे पानी में धोया जा रहा है, कहीं पर मैं ये कहूं कि मानव अवशेष जो मानव विष्ठा है उसका भी प्रयोग हो रहा है। ये सब केवल और केवल सनातन की पवित्रता को खत्म करने के लिए हो रहा है। और जगनमोहन रेड्डी की सरकार के लिए तो ये मशहूर है कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार मिशनरी और जिहादियों के हाथों में बिकी हुई थी। वहां पर पोप, चादर और सादर वाले लोग सत्ता में बैठे हुए थे। ये तिरुमला जो तीर्थ क्षेत्र है इसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर भी गैर हिंदू बैठे हुए थे। ये जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे धर्म स्थानों को अपवित्र करने का चल रहा है, ये उसकी एक बानगी है। और मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को कि केंद्र की सरकार ये जो कुचक्र चल रहा था, ये जो मैं ये कहूँ अन्याय हो रहा था, इसको जनता के सामने लाने की शक्ति आई। वरना आप देखिए कि राज्य सरकार के हाथ में जब तक सत्ता रही वहां पर ये कुचक्र चलता रहा, लगातार हिंदुओं का जो धर्म है उसे भ्रष्ट करने के लिए एक साजिशन काम होता रहा। एक और बात सुमित जी, यदि ये केवल व्यावसायिक रूप से होना होता तो क्या मस्जिदों के लिए भी तो चंदा और जकात दी जाती है सरकार की तरफ से। 100 करोड़ रुपया तो अभी कर्नाटक में भी दिया गया, 100 करोड़ रुपया चर्च के लिए दिया गया, मस्जिदों के लिए दिया गया, तो उसमें क्या कहीं सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ क्या? केवल हिंदुओं
हिंदुओं के धर्मस्थान के लिए हो रहा है, तो ये छोटी संगीत साजिश करके ठूके कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं क्या ये? अगर ऐसा है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, तो फिर एक राज्य का विषय नहीं हो सकता है ना, ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का भी विषय है कि अगर कोई सांप्रदायिक तौर पर यहाँ कुछ इस तरह से चिंगारी भड़काने की भी कोशिश कर रहा हो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके, तो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर आ रही है। इसमें अगर कोई विदेशी ताकत है तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें शामिल हो सकती है और जांच कर सकती है। बिल्कुल समिति, हम चाहेंगे कि इसकी सीबीआई जांच भी हो, हम चाहेंगे कि एनआईए भी। आप चाहेंगे, सत्ता में आप हैं, आपको अगर लगता है, आप जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि थूक जिहाद और तमाम ऐसी जिहाद और तमाम ऐसी साजिशें हो रही हैं, पर्दाफाश कीजिए उन जिहाद का, पकड़िए उन जिहादियों को, बताइए कौन कौन वो ताकत है और कौन उन ताकतों को यहाँ देश में रहकर वो कौन गद्दार है जो समर्थन कर रहे हैं, पकड़िए, पकड़ क्यों नहीं पा रहे। सुमित जी, पहली चीज राज्य सरकार का विषय होता है कानून व्यवस्था, जब तक राज्य सरकार रिकमेंड नहीं करती सीबीआई इंक्वायरी को या हाईकोर्ट रिकमेंड नहीं करता किसी भी केस की सीबीआई इंक्वायरी नहीं। सर अगर एनआईए को अगर शक है अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, तो वो किसी भी राज्य में जा सकती है, एनआईए अगर जाना चाहे तो किसी भी राज्य में जांच करने के लिए जा सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। अगर आप जिहाद की बात कर रहे हैं तो ज्योति कुमार सिंह, ठीक है सर, ज्योति कुमार सिंह जिहाद है इसके पीछे, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो दोषी हैं उन्हें जेल भेजना चाहिए, और सनातन सनातन यूं किसी की ऐसी घटिया साजिश से खत्म नहीं होने वाली, दशकों से लाखों सालों से सनातन ऐसे ही है, बार बार सनातन पर हमला किया गया लेकिन सनातन अभी भी अडिग है, खड़ा है। ये अलग बात है कि साजिश करने वालों को पकड़ना चाहिए, हिंदुओं की आस्था के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उन्हें बंद करना चाहिए, लेकिन क्या उन खिलवाड़ करने वालों के साथ सियासतदान भी होते हैं, सियासी पार्टियां भी होती हैं? ज्योति कुमार सिंह, अनम्यूट कर लीजिए ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी जी। सुमित झा जी, जी ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इमोशनल ये मुद्दा है, ये हमारे देश के 80% सनातनियों के श्रद्धालुओं के विषय का ये मुद्दा है। हमारे जितने महंत जी लोगों ने बात की है वो बिल्कुल बहुत सही बात की है, मैं उनसे जोड़ते हुए इस बात को सुमित झा जी रखना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, सेंटर में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, एनडीए की है, उसके पार्टनर टीडीपी के अभी चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इसके पहले जगन जब थे तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत से विषयों पर 80% विषयों पर वो साथ रहते थे। बात समझिए, ये 70,000 लोग डेली वहां जाते हैं, और ये तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जो इसके प्रशासन को देखता है, 300 साल पुरानी यहां पर किचन है जिसको पोटू बोलते हैं, और यहां पर 3.5 लाख लड्डू बनते हैं डेली, और 200 ब्राह्मण इसको बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो पूरे इलेक्शन में लोगों को समाज को बांटने के लिए और अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उस प्राण प्रतिष्ठा में भी 1 लाख लड्डू यहां से भेजा गया था। आप पूछिए, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? ज्योति जी, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? मैं जवाब दे देता हूं क्यों कैसे आ गए। हाँ बताइए, सरकार उनकी है, आप सेंटर में आपकी सरकार है, अगर 1 लाख लड्डू राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में गया था वहां से, तो वो नरेंद्र मोदी के अगुवाई में वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, किसी गरीब को नहीं जाने दिया गया, किसी दलित को नहीं जाने दिया गया। तब ये ज्योति जी यही तो कह रहा हूँ कि आस्था के साथ धोखा है,
कि ज्योति जी, ज्योति जी लड्डू जब भेजे गए, ज्योति जी एक सेकंड, लड्डू जब भेजे गए, एक सेकंड सर, देखिए धार्मिक और बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील है, हर चीज में राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं 1 लाख लड्डू जब भेजे गए अयोध्या, तो उस वक्त भी यही मानकर कि बालाजी का प्रसाद है, एक एक लड्डू, एक लड्डू का एक कतरा भी वहां उस प्रसाद का लोग ग्रहण करते हैं तो मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद मिल गया और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, ये विश्वास है वहां। 1 लाख लड्डू आ गए तो वो भेजे गए, लेकिन वो लड्डू बनाने वाले की गलती है, उसमें जो घी का इस्तेमाल होता है वो घी की सप्लाई करने वाली कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका किसने दिया और किसकी सरकार में दिया गया, सवाल ये है। सुमित झा जी, मैं यही तो बात कह रहा हूं ना कि जब आप प्रशासन में हैं तो आप ही तो चेक करेंगे ना, कौन चेक करेगा बताइए, दूसरा कोई चेक करेगा तो आप उस पर FIR कर देंगे, ED भेज देंगे, CBI, आपका प्रशासन सेंटर में भी है, प्रदेश में अलायंस आपका है और आप प्रशासित उसको ढंग से नहीं, हिंदुओं की आस्था को आप बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सूर्यप्रकाश मैथिल जवाब दीजिए, वैसे जगनमोहन रेड्डी की सरकार, आप अगर शासन में है जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, सूर्यप्रकाश मैथिल जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ पर अब कांग्रेस का सच रखना पड़ेगा। आप देखिए रह रहे से बदलते हैं, दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े दाली मऊ पर ये यहाँ बैठ कर यहाँ अब हिंदुओं की आस्था की बात कर रहे हैं, वही पार्टी है जिसके राज्य के अंदर हिंदुओं को डेंगू मलेरिया और HIV जैसे शब्दों से नवाजा गया, उसके मुंह में दही जमा रहा। दूसरी चीज, जब योगी आदित्यनाथ जी ने गांवर यात्रा के समय में कहा था कि सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा छाती पीटने और चूड़ियां तोड़ने का काम इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने किया था, जो यहाँ बैठकर अभी हाल तो इससे क्या होगा कि त्रिपति मला में जो लड्डू में चर्बी पाया गया वो मिट जाएगा ये बात बोलने से? सुनो ना भैया, बीच में मत बोलो, सुनो पहले सुनो तुम्हारी ये बात, तो ये बात ये तुम तलाक आप सुमित झा जी, अगर ये ऑफिशियल प्रवक्ता है तो मैं इनकी बात लूंगा, अगर ये आपके ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है तो मैं ये तुम तलाक नहीं सुनूंगा, मैं तुम तलाक नहीं सुनूंगा। आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग गंभीर हैं, तुम तलाक और तुम तलाक की यहाँ गली वाली भाषा आप लोग इस्तेमाल न करें, ये मुझे कहना भी बड़ा अजीब लगेगा। आप लोग खुद समझदार हैं, प्लीज मर्यादा में रहकर सूर्यप्रकाश मैथिल और ज्योति कुमार सिंह, अगर आप ऑफिशियल प्रवक्ता बनाकर लाए हैं सूर्यप्रकाश मैथिल भाषाई संयम बरतते हुए आप अपना जवाब, आप अपनी बात कहें जो कहना है। ज्योति जी हो गया, हाँ बोलिए सूर्यप्रकाश मैथिल जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए भगवान श्री राम काल्पनिक थे, आज वो लोग प्रश्न उठा रहे थे 1 लाख लड्डू जो है वहां चला गया, जिन लोगों ने सीए से नकार दिया था भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर के अभिषेक के अंदर स्वागत आने से, वो यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। चलिए ठीक है सूर्यप्रकाश मैथिल जी, एक सेकंड रुक जाइए, वो हिंदुओं के पहरेदार नहीं बन पाए आपके मुताबिक, आप तो हिंदुओं के एक सेकंड सर रुक जाइए सूर्यप्रकाश मैथिल जी, आप तो सनातन के पहरेदार होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, आप क्यों नहीं रोक पाए ये तमाम थूक जिहाद और तमाम चीजें गिना रहे हैं, इन जिहादों को बढ़ने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? उत्तर ले लीजिए, आप देखिए सुनील जी, पहली सरकार हमारी है जिन्होंने कहा कि जिहादियों के द्वारा चलाए जा रहे जो खाने के ढाबे हैं उन पर का नाम लिखा होना चाहिए ताकि आदमी को पता लगे कि वो कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ खाना नहीं खा रहा है, और जो थूकते हैं, मूंछते हैं, हलते हैं खाने के अंदर, उन सबका पर्दाफाश करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। और इस तिरुमला तिरुस्थानम जो मंदिर के अंदर, क्या बताइए बताइए ज्योति जी, बताइए ज्योति जी बताइए क्या क्या बताइए, जिस पार्टी में भगवान को छोड़कर नरेंद्र मोदी जी का पूजा किया जाता है, जिस पार्टी में आप हिंदू धर्म को कैसे कैसे तार तार करते हैं, ये देख लीजिए। और अब इस बात को आप देखिए, इस बात को देखिए कि इनकी ये जो पूजा पाठ धर्म है, ये जो संस्कार है हमारे हिंदू धर्म के डिसिप्लिन से आता है, और इनका डिसिप्लिन क्या है,
इनका डिसिप्लिन महिलाओं को इज्जत नहीं देना, सम्मान नहीं देना। अभी आपने उड़ीसा में देखा, अभी उड़ीसा में देखा कि इन्होंने क्या किया है महिलाओं के साथ, और बाकी जगह क्या करते रहे हिंदुओं के साथ। लगातार ये धोखा देते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। क्यों भाई, ये करोड़ों करोड़ों, ये केवल देश में नहीं विदेश में भी तिरुपति का नाम है और वहाँ के श्रद्धालु है, वहाँ के श्रद्धालुओं का इनको कोई मतलब नहीं है, केवल वोट की राजनीति करते हैं। आप देखे उज्जैन में शिव भगवान की जो मूर्ति लगी, उस मूर्ति को भी इन्होंने गिरवा दिया। उस पर भी क्या था, उसमें भी भ्रष्टाचार आया। आप जब पाएंगे कि जब सीबीआई और ईडी की जब जांच कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस पार्टनर का ही हाथ है। इनके अलायंस पार्टनर जो न कभी हिंदुओं का सम्मान किया, इन्होंने कभी नहीं किया, केवल ये वोट की राजनीति। हो गया आप दोनों हिंदुओं के रहनुमा बनने का दावा अब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ज्योति कुमार सिंह जी और सूर्यप्रकाश मैथिल जी, चूंकि हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं, उनके पास भी जाना है और वही बता देंगे, लेकिन फिर भी ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस ही जाकर बोलती थी कि भाई राम सेतु तो है ही नहीं, काल्पनिक है, भगवान श्री राम काल्पनिक है, ठीक है। बस एक लाइन में आप कितने हिंदुओं के साथ रहे, ये एक लाइन बता रही है। और दूसरी चीज, सूर्यप्रकाश मैथिल जी, हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अगर होता रहा, या फिर आप तमाम जिहादों की बात कर रहे हैं, आपसे ही अगर हिंदुओं ने उम्मीद की तो आप भी ना उम्मीद, आपने भी उम्मीद पूरी नहीं की बल्कि और हिंदुओं के साथ छल हुआ। तो भाई यहां पर चीखने चिल्लाने के बजाय, एक सेकेंड सर, कि हम हिंदुओं के रहनुमा हैं, जरा अपना आईना देख लीजिए, और कांग्रेस का तो आईना जरूर ज्योति जी आपको देखना चाहिए, कब कब हिंदुओं के साथ आप खड़े रहे। एक राम मंदिर आस्था का विषय था, उसमें आप खड़े नहीं रह पाए। अयोध्या का खला राजीव गांधी नहीं खुलवाया था, इस बात को आप ना भूलिएगा। आप भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे, काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु को काल्पनिक बताते रहे, काल्पनिक क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की, क्या बात कीजिएगा हिंदुओं की। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, सियासी शोर के बीच कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था का जो के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, वो दर्द वो कहीं ना कहीं दब जा रहा है। मैं उस दर्द पर आता हूं, इस जख्म पर मरहम लगाने वाले कोई हैं? सनातन और साधु संतों की उम्मीद किससे है? यह मुझसे पूछा गया है ना जी। जी शैलेशानंद जी, जी देखिए, मैं झा साहब, मैं हमेशा से कहता आया था अभी पिछले 5 सालों से सनातन बोर्ड का, किंतु अब तो मुझे 2 दिनों से लग रहा है कि अब आयोग की आवश्यकता है, सनातन धर्म को एक आयोग की आवश्यकता है जिसके पास में स्वायत्तता हो, जिसके पास में पूर्ण स्वतंत्र के साथ में जुडिशियल पावर्स हो। देखिए, हम सत्ताधीशों के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर अब ज्यादा भरोसा इस विषय पर नहीं कर सकते कि वे धर्म स्थलों का संवर्धन और संरक्षण ठीक से कर पाएंगे। हम चाहते हैं साधु संतों को व्यवस्था वापस दे दी जाए जो किसी काल में हमारे पास में थी। हम उन मठ मंदिरों को बहुत अच्छे से देखरेख कर लेंगे, यहाँ की व्यवस्था कर लेंगे। जहां तक सवाल उठता है सत्ताओं का, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता को जैसे रिसीवर अपॉइंट करते हैं ना, जैसे एक सदस्य उनका अपॉइंट करते हैं, ऐसे अपॉइंट कर दीजिए ताकि कानून व्यवस्था के अंतर्गत शासन का हस्तक्षेप रहे। किंतु जहां तक आस्था की बात है, जहां तक परंपराओं की बात है, जहां तक हमारी क्रियाओं की बात है, जहां तक हमारी धार्मिक प्रतिक्रियाओं की बात है, उसे हमारे संतों के ऊपर ही छोड़ना होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं, इतने जीवन को हमने छोड़ा है, हम किसी कुर्सी के लिए हमने जीवन को नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने किसी भी परीक्षा प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा है। स्वामी जी एक सेकंड, लेकिन इसमें भी तो कई बार संतों में आपसी लड़ाई सामने आ जाती है, अखाड़ों की लड़ाई। शास्त्रार्थ की बात है, मैं समझ रहा हूँ शास्त्रार्थ की बात है झा साहब। शास्त्रार्थ होना एक स्वस्थ परंपरा है, शंकराचार्य जी के समय पर परंपरा बड़ी परिपोषित हुई है। यदि संतों के अंदर भी कहीं ना कहीं अलग ओपिनियंस आते हैं, अलग उनके मत आते हैं, तो उन सबको